ओम शांति। आज हम आपको कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछेंगे। अगर आपको आता है तो अवश्य इसका उत्तर बताएंगे, नहीं आता है तो ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको याद हो जाए। और आपके लिए बता दूं कि ये आपके हर प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं फिर भी ज्ञान तो होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञान इनसे दृश्यम पवित्र में भी देते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। वो चाहे आत्मा की पवित्रता के लिए ज्ञान हो चाहे सामान्य ज्ञान हो, तो कम से कम आप सामान्य ज्ञान ही आपका अच्छा हो इसके लिए जरूर पढ़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और दोस्तों में प्रचार करें। तो पंजाब आपको पहला क्वेश्चन बताना है, पंजाब के एक शहर है और वो कौन सा शहर है पंजाब का जो खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर खेल के सामान बनते हैं, तो बताइए दोस्तों। जालंधर, पंजाब का जालंधर शहर खेल के सामानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है कि हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए अपने शरीर में बताइए, तो आपकी जांघ की जो हड्डी है जिसको अंग्रेजी में फीमर कहते हैं वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और अगला सवाल तो बहुत कठिन है जिसको कोई बता नहीं पाया आज तक, आप बता दें तो आपको इनाम। तो आप सुनना चाहेंगे, बहुत ही गजब का प्रश्न है, मानव शरीर में बालों की संख्या कितनी होती है लगभग, मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट जो वैज्ञानिकों ने गिना है वो कितने बाल होते हैं हमारे शरीर में। आपने वो कहावत सुन रखे होगी कि एक नाव से किसी ने पूछा कि भैया हमारे शरीर में कितने बाल हैं, उसने कहा आदि मैं काट रहा हूँ आपके सामने गिरेंगे आप गिन लीजिए, वो भी बेचारा गिन नहीं पाया था। लेकिन वैज्ञानिक लोग तो बहुत विचित्र हैं, वो लोग गिन उन के रखते हैं, आंकड़ा रखते हैं। तो आंकड़ा कितना है नेटवर्क से खोज लीजिए, बताइए भाई। तो आपको मैं बता दूं जो वैज्ञानिकों ने पाया है लगभग 50 लाख बाल हमारे शरीर में, ठीक है 50 लाख बाल जो रुएं और सब मिला करके इतनी बाल है, संख्या देखकर हमें भी आश्चर्य हो रहा है, हमें बताइएगा सही है गलत है। आप जानते हैं कि जीव विज्ञान में द्विनाम पद्धति है और उस द्विनाम पद्धति किसने प्रारंभ किया, उसके जन्मदाता कौन है, द्विनाम पद्धति आपको बताना है। तो दोस्तों हमें लगता है आपको याद नहीं होगा, तो ये है करोलस लिनियस। करोलस लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता। और एक सरल प्रश्न पूछ लेते हैं, मुझे लगता है जो साइंस पढ़ने, परमाणु के नाभिक में कौन से दो कण रहते हैं जो मुख्य कण है वैज्ञानिकों तक खोजे हैं, तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही आपने सोचा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। और अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता, अभी दीपावली पर बहुत सारे लोग पटाखे दगा रहे थे, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन है, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसिबल है। तो आपको बता दें ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसिबल के में हम मापते हैं। और अगला सवाल तो हम शंख बजा नहीं रहे हैं लेकिन आप जान लीजिए शंख से ही हम आपको पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था, तो दोस्तों उनके शंख का नाम था पांच जन उनके शंख का नाम था। और अगला प्रश्न है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, आपको ये बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों अनुच्छेद 76 में है। और संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन का प्रस्ताव। और स्वतंत्रता के समय देश में कुल कितने रियासतें थी, जिसको हमारे सरदार पटेल जी ने एक किया था, जिसके कारण यूनिटी ऑफ स्टेचू बनी है, जिसके कारण पूरा देश उनका सम्मान करता, सरदार के नाम से प्रसिद्ध थे, तो उनका है 542 रियासतें। और हमने उत्तर ही बता दिया एक और प्रश्न का कि रियासतों का एकीकरण किसने किया, तो दोस्तों आप जरूर इससे पता चल गया होगा कि एकीकरण किसने किया, सरदार पटेल जी ने ही किया है, तो ये तो क्लियर है। और सरदार पटेल इतने महान थे, उनके उनका साथ जो बीपी मेनन ने दिया था और बीपी मेनन और सरदार पटेल मिलकर पूरे देश की रियासतों का एकीकरण किया, और सरदार उनका उपनाम जो बारदोली के सत्याग्रह में दिए थे महिलाओं ने दिया था सरदार उपनाम, तो आज भी हम इसे याद करते हैं सरदार पटेल जी को। और हमारे एक ऐसे पूर्वज थे जिनकी श्रद्धा से हम प्रातः नमन करते हैं और बहुत ही योग्य।
तो अब अगला एक और बता दीजिए, मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? ये बच्चों का सवाल है, बड़े क्वेश्चन पूछ लिया था कल, शिलांग में है। और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना किया था। और अगला प्रश्न हम आपको पूछेंगे कि 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है? यह है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और उसके गवर्नर की साइन होती है। आपको अगला प्रश्न बताना है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? याद करिए, क्लास 8 का क्वेश्चन है, जीके का 6। और राज्यसभा के 5 होते हैं, राज्यसभा के 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो क्लास 6 का एक क्वेश्चन, मतलब मोटा मोटी। अगला है कि दीन इलाही धर्म को किसने चलाया? दीन इलाही धर्म को किसने चलाया? तो दोस्तों हम उत्तर बता दें, अकबर ने चलाया था। और योग दर्शन के प्रणेता तो हमने बताए थे, महर्षि पतंजलि हैं। अगला आपको बताना है कि एक उपन्यास है देवदास, उसको किसने लिखा है? देवदास नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो बंगला के उपन्यासकार हैं सरोजन चटर्जी रहे हैं। और अगला प्रश्न, अलवार संतों ने, जो दक्षिण भारत के अलवार संत हैं, उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़? क्लियर हुआ? तमिल। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? 4 वेद का नाम आप जानते होंगे, लेकिन पांचवा वेद किसे कहा जाता है बताइए, याद करिए दोस्तों। तो पांचवा वेद हमारा है महाभारत, महाभारत हमारा पांचवा वेद है। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। और एक अंतिम और लास्ट प्रश्न आपको से पूछ रहे, समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापते हैं? तो आपको बता दें, सोनार से। और अगला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कि रेडियम की खोज किसने किया? रेडियम की खोज किसने किया? तो हमें लगता है कि ये केमिस्ट्री के प्रश्न को आप खोज करके हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और अगले इसमें इसका उत्तर भी हम बता देंगे। लेकिन अभी आपको इसका कमेंट में उत्तर देना, रेडियम की खोज किसने किया। धन्यवाद, ओम शांति।